हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करते हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शैलो गैलेरिया डेली डोज में। तो आज हम बनाएंगे परवल की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी बन जाती है। और वीडियो तो मेरा 3 मिनट में बन गया। तो चलिए बनाते हैं आज परवल की सब्ज़ी। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पीजी या हॉस्टल में या घर से बाहर रहते हैं, उन बच्चों के लिए। तो चलिए बनाते हैं मेरी किचन में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी अच्छी लगे। परवल मैंने ले लिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 250 ग्राम, और इनको पतला लंबा काट लें, जो उनकी लंबाई शेप होती है उसी आकार में काटें। यहाँ पे मैंने आलू पतले लंबे काट लिए हैं 350 ग्राम, और साथ ही बना लिया फ्रेंड्स आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का एक पेस्ट ग्राइंडिंग जार में। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल ले लेंगे, उसे अच्छी तरह गर्म करेंगे। सरसों का तेल फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, और इसे अच्छी तरह से गरम करने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे 1 चम्मच, साथ ही डाल देंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी 1 आधा चम्मच। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें फ्रेंड्स। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे आलू कटे हुए, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक यहाँ पे डाल रही हूँ। नमक यहाँ पे मैं कम ही डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आगे भी हमें इसमें नमक डालना है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इन्हें ढक के रख दूँगी कम से कम भी 1 से 1.5 मिनट के लिए। इन्हें 1 से 1.5 मिनट हो गया है, अब मैं प्लेट हटा के देख लूँगी। हमारे आलू थोड़े गलने लग पड़े हैं फ्रेंड्स, इन्हें पूरी तरह नहीं गलाना है, हल्का गलाना है। अब मैं इसमें कटे हुए परवल को ऐड कर दूंगी, इन्हें फिर से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी आलू के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे ढक के रख दूंगी कम से कम भी 2 मिनट के लिए। ये हो गया है 2 मिनट, अब हम इसे निकाल के फिर से चला लेंगे थोड़ा सा। हमारे परवल भी हल्के नरम पड़ गए हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें जो हमारा पेस्ट तैयार किया था हमने, उसे ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, ठीक है, और इसे अच्छी तरह से चला के फिर से ढक के रख दें। लेकिन उससे पहले हम डालेंगे 1 गिलास पानी। जी हाँ, जो पानी पीने वाला गिलास होता है ना, उसी से मैंने 1 गिलास पानी डाला है, और जो पेस्ट था उसको भी, बचा हुआ पेस्ट जार में, उसको भी घोल के डाल लिया है। तो इसे अच्छी तरह से चला लेंगे फ्रेंड्स, और इसे हम ढक के रख देंगे। आराम से 4 से 5 मिनट के अंदर ढक के रखने से आपकी ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। लेकिन बीच बीच में ढक्कन हटा के आप इसे चलाते रहें ताकि आपकी सब्ज़ी कढ़ाई में नीचे ना लगे। और 5 मिनट बाद फ्रेंड्स मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छे हमारे परवल आलू बन के रेडी हैं। तो एक लाइक तो बनता है, तो मेरी वीडियो को और मेरी सब्ज़ी और इस रेसिपी को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताइए नीचे, और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस रेसिपी का पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को जान पाएँ। आपके सहयोग से ही इस चैनल को मैं आगे बढ़ा पाऊँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय। और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहिए। नीचे दिए गए एक बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे आपको मेरे आने वाली वीडियो के बारे में पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा।